गुड आफ्टरनून ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैटर. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलरेडी डिस्कस. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स शॉर्ट एंड लॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज मैटर, व्हाट इज इट्स मेड अप ऑफ. ओके, मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन एंड मैटर किससे बनता है. ओके, सो आंसर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ अगर मास या स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ शाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर दैट मैटर किससे बनता है, टाइनी पार्टिकल से बनता है जिसको आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन हैं. सो द आंसर इज एटम्स आर सेड टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. नाउ थर्ड इज डिफाइन एलिमेंट. When matter is made up of only one kind of atoms, it is known as an element. अगर कोई भी matter सिर्फ एक type के atom से बने तो उसको आप element बोलते हो. Fourth is, what do you understand by the term solubility? Okay, you have to explain the term solubility. So the answer is, substances which dissolve in water are said to be soluble and this property is called solubility. जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. नाउ फिफ्थ इज व्हाट आर द मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. वी हैव टू डिफाइन द टर्म मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. सो द आंसर इज व्हेन टू लिक्विड्स डिसॉल्व कंप्लीटली इन ईच अदर दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. अगर कोई भी दो लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए एक दूसरे के साथ तो उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स. व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. अगर दो लिक्विड्स इजीली कंप्लीटली डिसॉल्व एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, so here our short question and answers are completed. Now next question is long answers. So first one is explain what is physical change with an example. Okay, you have to explain a whole physical change और आपको उसके examples भी explain करने हैं. So answer is in a physical change no new substances are formed and only the physical properties such as shape, size and color of the substance change. Physical change can be reversed by heating or cooling and are therefore also called reversible changes. Examples of physical changes are melting of ice, tearing of paper, breaking of glass, mixing sand and water. Okay? ये पूरा physical change का explanation था, इसका answer था कि physical change क्या होता है. That physical change में कोई भी new substance form नहीं होता है and जो physical properties होती हैं, shape है, size है, color है, वो substance का change हो जाता है, इसलिए उसको physical change बोलते हैं. And फिजिकल चेंज का दूसरा नाम ये भी है रिवर्सिबल चेंज. क्यों रिवर्सिबल चेंज उसको नाम दिया गया है, बिकॉज ये जो फिजिकल चेंज में सब्सटेंस है वो रिवर्स हो सकता है बाय हीटिंग और कूलिंग. अगर आप उसको हीट करो या कूल करो उससे वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रिवर्सिबल चेंज. एंड उसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए हमने. नाउ सेकेंड,
एक्सप्लेन वॉट इज केमिकल चेंज विद एग्जाम्पल्स. यू हैव टू एक्सप्लेन केमिकल चेंज एंड उसके एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन करने लिखने हैं. ओके, सो द आंसर इज अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. Most of the chemical changes are permanent. We cannot get back the original substance. Such changes are called irreversible changes, since they cannot be reversed by heating or cooling. ऐसा change जिसमें उसकी substance की chemical composition change हो जाए उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. एंड उससे कुछ न्यू सब्सटेंस बने, ओके, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, इसलिए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल चेंज मतलब जो सब्सटेंस है उसकी अंदर की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए और उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो. मोस्ट ऑफ द केमिकल्स चेंजेस आर परमानेंट. ओके, मोस्टली जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट, एक बार हो गए तो हो गए, हम उसको गेट बैक ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं ला सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस. इरिवर्सिबल चेंजेस इसलिए इसका नाम है क्योंकि हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में हम उसको वापस से नहीं लेके जा सकते. अगर आप उसको हीट करो, कूल करो, प्रेशर दो, टेम्परेचर दो, कुछ भी करो, बट वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जा सकता है. इसीलिए केमिकल चेंज का दूसरा नाम क्या है, इरिवर्सिबल चेंज. नाउ उसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर कुकिंग फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, बर्निंग ऑफ वुड. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 5 आर ऑल्सो कंप्लीटेड. So thank you all. Here we end our session. Thank you all.